अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लेके जा रहे हैं आपको अपने हस्बैंड के जो बचपन में जिस स्कूल में पढ़ते थे अलीगढ़ में मिंटो सर्कल। रोकिएगा ज़रा देखने के लिए थोड़ा सा। बस चले बंद कर दे। पहले जितनी देखो ये फर्स्ट क्लास में गए अंदर तो प्राइमरी सेक्शन पूरा। अच्छा स्कूल है इधर इस वाली क्लास तक पढ़े आके इस वाली क्लास में। अच्छा प्लेग्राउंड सब हमारा है फुटबॉल का इसका। अरे आपके तो मजे ही थे। एक गेट के बाहर के गेट मेरा शो के पेड़ लगे हुए सारे इतने सारे आज जब बगे स्कूल। अच्छा अंदर आने नहीं देते हैं वो लोग है ना। सब झूले वूले सब लगे हैं। हमारा जो दीवाड़े का हमारा हॉस्टल वो था वो वाला रूम था बीच में जो सबसे बड़ा रूम। कपड़े बच्चे यहाँ सुखाते हैं सुखा दिया वरना भी घर में नहीं लगा के सुखाते हैं ये सब। ये वॉलीबॉल ग्राउंड बास्केटबॉल ग्राउंड ये बिल्डिंग है। ये वाली सबसे आखिरी क्लास जो है यहाँ तक पढ़े पहली सबसे पहली क्लास से लेकर सबसे आखिरी क्लास तक पढ़े। अच्छा टेंथ में ये स्कूल ये बड़ा डबल स्टोरी बना हुआ है। ये पूरा सीनियर सेक्शन सामने लाइब्रेरी है सामने लाइब्रेरी अब तो इसको थोड़ा सा रिमेंशन किया गया है। ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सामने लाइब्रेरी है ऊपर का। अच्छा अब्बा का स्कूल है ये इसके अंदर मालूम है सीढ़ियाँ वैसी हैं गोल वाली ऊपर तक। अच्छा अभी इसके लिए फ्रेम भी बनाया बिल्डिंग का और क्या इसके लिए अभी फ्रेम भी बनाया। मैंने फोटो खींचा ना। मेरे हस्बैंड यहाँ पे आके इतने ज़्यादा खुश थे और हर इंसान उस जगह जाता है देखिए। अब इनके बचपन का स्कूल है तो उनको सारी यादें आ रही हैं उनको बचपन की अपनी सब सुना रहे हैं बच्चों को। मैं यहाँ पे ये करता था वो करता था। आरिश बहुत ज़्यादा खुश थे कह रहे थे अब्बा मुझे भी आप अपने स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए मुझे भी यहीं पढ़ना है इतना बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ पे मैं खूब खेला करूँगा। अरे तीनों काट ले आरिश बना ली अच्छे से। चलो भैया आ जाओ क्यों टीम में जीता वो विनर होगा। ये रात में शुरू पूरा टूटा ये है स्केटिंग वो देखो स्केटिंग कर रहा है वो स्केटिंग कर रहा है वो तब तो बर्फ जमी आई है शराब बच गए मेरी बना। वहाँ पे हमने बेलपूरी खाई थी। एक सेकंड चलिए
बीच में। एक मिनट आ रही शुरू को तो देखो यहाँ पे सफाई हो रही है सभी। हम लोग घर वापस जा रहे हैं और ये दो दिन रुके हम लोग तो बहुत ही मज़ा किया, बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड जब भी अलीगढ़ से आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत उनका चेहरा उतर गया है, उदास उदास से लगते हैं क्योंकि वो बचपन से वहीं रहे हैं अपने चाचा के और चाची के साथ और वहाँ पे सारे फ्रेंड्स उनके वहीं पे हैं और तो उनको वहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे तो वो बच्चों की वजह से रह रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ तो करती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर सुनेगा उनकी, कहीं ना कहीं उनको सेटल करवा देगा, उनकी जॉब लगवा देगा अल्लाह। और देखिए फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलूँगी और दुआ करिएगा मेरा अगला व्लॉग जल्दी आए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक बिल्कुल नहीं रहती है, इसलिए मैं व्लॉग जल्दी जल्दी नहीं डाल पा रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। भाव के तो हाल चाल ले लो।